हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एज वेल सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है सो so प्लीज़ अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और uh, मैं प्रॉपरली वीडियोस डालने के मूड में अभी नहीं हूँ

कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है स्टॉप दिस थिंग वो ये है कि सब फॉर सब ये बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे फेमस है ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों के साथ होता है तो प्लीज़ स्टॉप दिस थिंग सब फॉर सब आप मेरे चैनल पे आओ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो तो ही मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगी ये आर स्टॉप डूइंग स्टॉप डूइंग दिस थिंग आई सीरियसली हेट दिस थिंग मैं ना ही किसी को करती हूँ और ना ही मुझे कोई करे ये मुझे पसंद है अगर आपका चैनल मतलब अगर, अगर, अगर आपका वीडियोस मतलब क्या बोलूँ अगर आप प्रॉपरली वीडियोस डाल रहे हो अगर आपका कंटेंट अच्छा है अगर अगर लक आपको फेवर कर रहा है तो डेफिनेटली पीपल विल वॉच योर वीडियोस डेफिनेटली पीपल विल सब्सक्राइब हर अच्छे चीज़ में टाइम लगता है हर खराब चीज़ में बुरे चीज़ में टाइम कम लगता है तो हैव पेशेंस अगर यहाँ है तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा सक्सेस मिलेगी मिलेगा मिलेगी सक्सेस अचीव करेंगे हम तो या तो ऐसे जा जा के लोगों के चैनल पे लिखना बंद कीजिए कि की आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तभी जाके मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगी कोई क्यों आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर किसी को पसंद आएगा तभी ना वो करेंगे नहीं तो कोई क्यों करेगा मैं भी नहीं करती मैं अगर किसी का वीडियो देखती हूँ मुझे पसंद आता है मैं तब जाके करती हूँ और हाँ कोई अगर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो तब मैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ अदरवाइज़ नहीं करती तो ऐसे किसी को फोर्स करना बंद कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल दैट बोल के तो या मुझे यही कहना था स्टॉप डूइंग दिस प्लीज़ और मैं बहुत जल्द वीडियोस लाऊंगी लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि एज आई सेड बिफोर आई एम नॉट वेल बोथ मेंटली एंड फिजिकली सो आई नीड टाइम सो या और काइंडली एक्सक्यूज़ मी फॉर द नॉइज कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आई जस्ट थॉट ऑफ यू नो अपडेटिंग अपडेट वीडियो बोल सकते हो आप इसको लाइफ अपडेट या कुछ भी समथिंग लाइक दैट सो या आप सब अपना ख्याल रखें और uh, मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट्स अपलोड किया था लेमन पेपर चिकन तो वो कम्प्लीटली मैंने अपने खुद के आइडियाज़ लगा के बनाए हैं एंड लेट मी टेल यू सीरियसली इट वाज ऑसम उसका रेसिपी मैं बहुत जल्द शेयर करूंगी लेकिन द प्रॉब्लम इज़ जिस पर्टिकुलर लेमन के साथ मैंने उसको बनाया था वो लेमन ख़त्म हो गया है वो लेमन ना उसको उसका इंग्लिश नेम आई डोंट नो मैं सर्च करके गूगल पे आपको बताऊँगी उसका इंग्लिश नेम है सॉरी बंगाली नेम है गोंधो लेबू अगर आप में से कोई बंगाली हो तो आप समझोगे कि वो उसको गोंधोराज लेबू बोलते हैं ठीक है उसका हिंदी नेम या इंग्लिश ने, नेम मुझे नहीं पता तो वो नींबू ख़त्म हो गया है मेरा वो पर्टिकुलर लाइन मेरा ख़त्म हो गया है जिसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ वो चिकन जैसे वो आ, उस एक्चुअली उस पर्टिकुलर लाइन के बगैर भी हम लेमन पेपर चिकन बना सकते हैं लेकिन मैंने जैसे बनाया था मैं अपना तरीका शेयर करना चाहती हूँ सो so, अगर वो पर्टिकुलर नींबू मुझे नहीं मिला तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ के मुझे आपको फिर बताना पड़ेगा इसीलिए आई एम टेकिंग लिटिल टाइम तो आ, तो या दैट्स दैट इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ उस रेसिपी को शेयर उस रेसिपी को शेयर करने में और आप सब कैसे हैं बताएं आई uh, नो कि अभी कोई बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है और लोगों से अभी पूछना भी ये बेवकूफ़ी है कि आप कैसे हो अभी मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब या तो फिजिकली फिट अनफिट है नहीं तो मैंटली नहीं तो दोनों तरफ से सो so, अपना ध्यान रखें डोंट लूज द होप एंड दिस टू शैल पास होपफुली सो सो या अपना ख्याल रखें एंड अलमीट यू सुपरसून वीडियो पसंद आए तो लाइक like कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाय मीट यू सुपर सून विथ माई नेक्स्ट वीडियोज़ बाय